Today we are going to discuss our next lecture of surface chemistry. Today we have to cover our two topics. One is shape selective catalysis and next topic is enzyme. Now come to a discussion. First one is shape selective catalysis. In shape selective catalysis, the catalyst have tendency to select the shape of reactant. इट मीन इन दिस प्रोसेस, यानी यहां पे क्या होता है कि कैटलिस्ट के पास ये टेंडेंसी होती है कि वो रिएक्टेंट के शेप को क्या करे, खुद से सेलेक्ट करे. यहां पे कैटलिस्ट की अपनी प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने रिएक्टेंट के साइज को करता क्या, वहां पे सेलेक्ट करता है. इट मीन द कैटलिस्ट सेलेक्ट द शेप ऑफ द रिएक्टेंट. और यहां पे किस हम कैटलिस्ट का मोस्टली हम यहां पे किसका एग्जाम्पल लेते हैं, वी टेक एग्जाम्पल ऑफ जियोलाइट. हम किसका एग्जाम्पल लेते हैं यहां पे, जियोलाइट. एंड यू आर ऑल्सो स्टडी दिस पर्टिकुलर जियोलाइट इन योर 11th क्लास वाइल स्टडिंग ऑफ हार्डनेस ऑफ वॉटर. जब आप हार्डनेस ऑफ वॉटर पढ़ रहे थे, वहां पे आपने इसको जियोलाइट की प्रॉपर्टी को वहां पे डिस्कस किया था. क्या होता है, द हार्डनेस ऑफ वॉटर कैन बी रिमूव्ड बाय द यूजिंग ऑफ जियोलाइट बाय परमिटेड प्रोसेस. यानी हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए आप जियोलाइट का यूज करते हैं, और प्रोसेस कौन सी थी आपकी, परमिटेड प्रोसेस थी. तो उसी जियोलाइट का आप करते क्या यहाँ पे आप यूज करते हैं. अब यहाँ पे जो जियोलाइट है, ये जियोलाइट करता क्या है, ये जियोलाइट आपके उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट को, यानी ये क्या हुआ आपका कैटलिस्ट हुआ जियोलाइट, तो ये रिएक्टेंट करता क्या आपका सेलेक्ट करता है किसके लिए, एक्टिविटी इंक्रीज करने के, यानी उसकी एक्टिविटी को बढ़ाने के, रिएक्शन की स्पीड को एनहांस करने के लिए. तो यहाँ पे जो आपकी रिएक्शन की जो रेट है, इट मीन्स द स्पीड ऑफ रिएक्शन और द रेट ऑफ रिएक्शन आर ओ आर, इट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन, इट इज डिपेंड्स ऑन, इस पे डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स ऑन पोर साइज, इट डिपेंड ऑन पोर साइज. किसकी पोर साइज पे, कैटलिस्ट की पोर साइज पे. अब ये बताओ, अगर कैटलिस्ट रिएक्टेंट को अपने ऊपर एड्सॉर्ब कर रहा है, तो कैटलिस्ट के ऊपर भी क्या होनी चाहिए, वो पर्टिकुलर वेकेंट एरिया होना चाहिए ना, जिस पे आपका रिएक्टेंट आकर के एड्सॉर्ब होगा. तो वही जो पर्टिकुलर एरिया होता है वेकेंट एरिया, दोस एरिया कंसिडर्ड एज पोर साइज. यानी कैटलिस्ट का पोर साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा, उसके अंदर रिएक्टेंट क्या होता ही जल्दी आपका एड्सॉर्ब हो जाएगा. और ये जो आपका एड्सॉर्प्शन अगर जल्दी हो गया, तो कैटलिस्ट अपनी यहाँ पे एक्टिविटी को परफॉर्म कर देता है. इसलिए कहते हैं क्या, उसमें शेप सेलेक्टिव है. यानी यहाँ पे किस पे डिपेंड कर रहा है, साइज पे डिपेंड कर रहा है, उसके शेप पे डिपेंड कर रहा है. तो यहाँ पे पोर साइज क्या होती है, वो पर्टिकुलर एरिया होता है जिसमें रिएक्टेंट आकर क्या होता है आपका फिट कर जाता है. इट मींस हियर द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन द पोर साइज ऑफ कैटलिस्ट. जितनी बड़ी पोर साइज होगी कैटलिस्ट की, उतना जल्दी क्या होगा उसमें रिएक्टेंट का एड्सॉर्प्शन हो जाएगा, और जल्दी क्या होगा रिएक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा. हियर द जियोलाइट इज यूज, यहाँ पे जो हम जियोलाइट यूज करते हैं, जियोलाइट का होता क्या है, केमिकली द जियोलाइट इज कंसिडर्ड एज एल्यूमिनो सिलिकेट. जियोलाइट होता क्या आपका, केमिकली इट इज कॉल्ड एल्यूमिनो सिलिकेट. जियोलाइट को केमिकल टर्म में क्या कहते हैं हम लोग, एल्यूमिनो सिलिकेट कहते हैं. एंड फॉर दिस प्रोसेस द जियोलाइट इज यूज, इस प्रोसेस में जो आपका जियोलाइट यूज होता है, मोस्टली दो जियोलाइट इज कॉल्ड जेड एस एम फाइव. इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ जियोलाइट. यानी ये जो जियोलाइट यहाँ पे आपका यूज होता है, वो क्या होता है, जेड एस एम फाइव. एंड वॉट इज जेड एस एम फाइव, जेड एस एम फाइव इज अ जियोलाइट विच इज यूज टू कन्वर्ट एल्कोहल टू, एल्कोहल किसमें कन्वर्ट करता है आपका, ये कन्वर्ट इंटू
पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के कई सारे फॉर्म होते हैं, मोस्टली द फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम विच आर प्रोड्यूस बाय यूजिंग ऑफ दिस डीएसएम फाइव कॉल्ड गैसोलीन। इसका होता आता गैसोलीन, कहां पे करते क्या है कन्वर्जन करते हैं, किससे, एल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ ZSM5 कन्वर्ट इनटू पेट्रोलियम, दिस प्रोसेस इज अकर्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ZSM5 व्हिच इज अ जियोलाइट व्हिच इज अ कैटलिस्ट। ये क्या होता है आपका कैटलिस्ट होता है। अब यहां पे ZSM5 में ये 5 क्या है, द 5 इज द पोरोसिटी, ये 5 क्या होती है इसकी, इट इज अ पोरोसिटी, यानी इसकी जो पोरोसिटी होती है वो क्या होती है आप इसके अंदर पाइप होती है, जिससे करता है कि ये अल्कोहल को पेट्रोलियम में इजली करता है, क्या आप सही है कन्वर्जन का वर्क करते हैं। इज दैट क्लियर, क्या आपको समझ में आ गया ये सब चीजें। ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, लेट डिस्कस अबाउट द सम पॉइंट अबाउट जियोलाइट। जियोलाइट होते क्या है, थोड़ा सा आपको रिव्यू दे देते हैं, बाकी आपने उसको 11th क्लास में अच्छे से पढ़ा हुआ था। व्हाट आर द जियोलाइट, द जियोलाइट्स आर द, अभी क्या बोला था ये क्या होता है, इट इज अ एल्यूमिनो सिलिकेट, ये क्या होते हैं आपके एल्यूमिनो सिलिकेट होते हैं। मोस्टली दिस पर्टिकुलर जियोलाइट विच इज कॉल्ड एल्यूमिनो सिलिकेट ऑब्टेन इन अ फॉर्म ऑफ हाइड्रेटेड, ये किस फॉर्म मिलते हैं आपको, हाइड्रेटेड फॉर्म में मिलते हैं। जनरली द जियोलाइट इज कंसिडर्ड एज हाइड्रेटेड एल्यूमिनो सिलिकेट, ये क्या होते हैं आपके हाइड्रेटेड एल्यूमिनो सिलिकेट होते हैं। हाइड्रेटेड मीन्स दैट इट कंटेन्स सम फ्रैक्शन अमाउंट ऑफ वाटर, इसके अंदर क्या होगा कुछ अमाउंट ऑफ वाटर भी आपको प्रेजेंट होगा, देयरफॉर इट इज कॉल्ड हाइड्रेटेड एल्यूमिनो सिलिकेट। ठीक, द फॉर्मूला फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ दिस इज दैट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज एम एस अपॉन एम एल ओ टू इज टू एक्स SiO2 y dot 2 mole of here N, N is a charge on metal, N is a charge on metal and here M, M is the metal ion like sodium ion, potassium ion and calcium ion। अगर आप देखो तो इसके फॉर्मूले में क्या लगा है 2 मोल ऑफ H2O, इट मींस दैट इट इज अ हाइड्रेटेड एल्यूमिनो सिलिकेट, ये क्या होता है आपका हाइड्रेटेड एल्यूमिनो सिलिकेट होता है। अब अगर ये हाइड्रेटेड है, अगर हम इसको नॉन हाइड्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें, इफ वी वांट टू कन्वर्ट इनटू एनहाइड्रस फॉर्म तो क्या करना पड़ेगा, बहुत सिंपल सी प्रोसेस है, क्या करना पड़ता है इसको, अगर आपके पास कोई हाइड्रेटेड सब्सटेंस है उसको आपको एनहाइड्रस फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो आप क्या करोगे, सिंपल प्रोसेस बाय अप्लाइंग हीट, आप क्या करोगे उसमें हीट को अप्लाई करोगे, जैसे उसको आप हीट करोगे गर्म करोगे उसमें क्या होगा वाटर की रिमूविंग हो जाती है एंड दिस हाइड्रेटेड एल्यूमिनो सिलिकेट कन्वर्ट इनटू एनहाइड्रस और नॉन हाइड्रेटेड एल्यूमिनो सिलिकेट। क्यों किया आपने करो उसके पीछे कोई रीजन है, रीजन इज दैट आपको पता है कि यहां पे क्या होती है पोरोसिटी होती है। अब ये बताओ अगर हाइड्रेटेड एल्यूमिनो सिलिकेट है उसके पास सपोज करते हैं पोरोसिटी कितनी है आपकी, सपोज यहां पोरोसिटी कितनी है आपकी 250 पिकोमीटर है, सपोज करते हैं द पोरोसिटी इन हाइड्रेटेड एल्यूमिनो सिलिकेट 250 पिकोमीटर, उसमें क्या 250 पिकोमीटर है, तो आप क्या करोगे अगर आपने हीट कर दिया, इस 250 पिकोमीटर में आपका क्या था वाटर भी प्रेजेंट था, जब आपने हीट कर दिया तो इसमें कई वाटर रिमूविंग हो गई, यानी अब उसके पर्टिकुलर कैटलिस्ट के सरफेस पे एरिया क्या हो गया और ज्यादा वेकेंट हो गया, यानी अब उसमें क्या होगा और ज्यादा एडसॉर्प्शन हो सकता है किसका रिएक्टेंट का, तो इसीलिए हम करते क्या उसको हीट करके एनहाइड्रस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहां जो पोरोसिटी 250 थी तो यहां पोरोसिटी कितनी हो जाएगी, अगर वाटर भी निकल गया तो और एरिया वेकेंट हो गया, सपोज यहाँ पोरोसिटी कितनी होगी 500 पिकोमीटर या उससे भी ज्यादा हो सकती है लाइक 500 पिकोमीटर। इज दैट क्लियर, इतनी बातें क्लियर हुई आपको। अब इनका यूज कहाँ कहाँ होता है, कहाँ हम हाइड्रेटेड एल्यूमिनो सिलिकेट का यूज करते हैं, कहाँ पे आप एनहाइड्रस एल्यूमिनो सिलिकेट का यूज करते हैं,
इनका एग्जाम्पल लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. द एग्जाम्पल फॉर हाइड्रेटेड एल्यूमिनो सिलिकेट. हाइड्रेटेड एल्यूमिनो सिलिकेट का आप यूज कहां पे करते हो? हाइड्रेटेड एल्यूमिनो सिलिकेट इट इज यूज इन कन्वर्जन ऑफ हार्ड वाटर इंटू सॉफ्ट वाटर और द रिमूविंग ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर. हेयर वी कैन यूज हाइड्रेटेड एल्यूमिनो सिलिकेट. यहां पे आप करते क्या हो? हाइड्रेटेड एल्यूमिनो सिलिकेट का यूज करते हो क्योंकि यहां पे क्या लगा हुआ आपका वाटर एंड हाइड्रोक्स को भी डालोगे तो भी क्या हो हाइड्रेटेड फॉर्म में आता कन्वर्ट हो जाएगा. ये बात ध्यान रखना. तो हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए हम करते क्या है? हाइड्रेटेड एल्यूमिनो सिलिकेट का यूज करते हैं और इससे क्या होता है आपका सॉफ्ट वाटर में कन्वर्जन होता है एंड दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड एज परम्यूटेड. दिस प्रोसेस कॉल्ड एज परम्यूटेड प्रोसेस. इट मीन्स बाय परम्यूटेड प्रोसेस वी कैन कन्वर्ट हार्ड वाटर इंटू सॉफ्ट वाटर बाय एडिशन ऑफ हाइड्रेटेड एल्यूमिनो सिलिकेट विच इज बिहेव एज कैटलिस्ट. जो किस तरह बिहेव करता है यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है. अब नॉन हाइड्रेटेड का या एनहाइड्रस का? नॉन हाइड्रेटेड एल्यूमिनो सिलिकेट इसका यूज कहां पे होता है? अभी आपने देखा था नॉन हाइड्रेटेड एल्यूमिनो सिलिकेट का यूज कहां पे होता है? तो कन्वर्जन ऑफ एल्कोहल इंटू पेट्रोलियम. एल्कोहल को पेट्रोलियम में कन्वर्ट करने के लिए और पेट्रोलियम कौन सा होता है? द पेट्रोलियम इन अ फॉर्म ऑफ गैसोलीन. वी यूज नॉन हाइड्रेटेड एल्यूमिनो सिलिकेट. हमको यहाँ पे वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. ऐसा कंपाउंड जिसमें आपका वाटर हो वो करना क्या है? एल्कोहल को पेट्रोलियम में कन्वर्ट करना है. फॉर दिस प्रोसेस वी कैन यूज नॉन हाइड्रेटेड एल्यूमिनो सिलिकेट. अब इन दोनों में कंपेयर करो इसकी पोरोसिटी क्या होती है? द पोरोसिटी इज मैक्सिमम इन नॉन हाइड्रेटेड एल्यूमिनो सिलिकेट. यहाँ पे क्या होती है? इसकी पोरोसिटी बहुत ज्यादा होती है. इज दैट क्लियर? तो ये क्या था आपका शेप सेलेक्टिव कैटलिज्म जिओलाइट के बारे में आपने कुछ चीजों को यहाँ पे डिस्कस किया. अब जिस तरह से आप कहते हैं कैटलिस्ट का जो पोर साइज है वो बड़ा होना चाहिए है ना, तो रिएक्टेंट पोर साइज कैसा होना चाहिए आपका? उस कैटलिस्ट के साइज कंपेरिजन में छोटा होना चाहिए भाई. इफ द रिएक्टेंट साइज इज हायर देन द पोर साइज ऑफ कैटलिस्ट हाउ कैन दे एब्जॉर्ब? कैसे वो एब्जॉर्ब होगा? तो फॉर एब्जॉर्प्शन वी मस्ट यूज दोज टाइप ऑफ रिएक्टेंट विच हैव लेस पोर साइज इन कंपेरिजन टू द पोर साइज ऑफ दैट पर्टिकुलर कैटलिस्ट. यानी उस कैटलिस्ट जिसके ऊपर रिएक्टेंट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है उस कैटलिस्ट के पोर साइज से उस रिएक्टेंट के पोर साइज क्या होनी चाहिए आपकी? कम होनी चाहिए. यानी इसका जो साइज है वो क्या होना चाहिए? इससे आपका कम होना चाहिए तभी उसके अंदर क्या होगा इसका फिटिंग होगी. तो यानी अगर आप इसको रिएक्टेंट के लिए देखते हैं तो रिएक्टेंट हैव लेस पोर साइज. इसकी पोर साइज क्या होनी चाहिए? इसमें आपकी छोटी होनी चाहिए. तो तभी क्या होगा इसका जियोलाइट के ऊपर क्या होगा आपका एब्जॉर्प्शन होगा. इज दैट क्लियर? चलो कुछ चीजें और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. इफ एम इज इक्वल टू एन ए प्लस, यानी एम मेटल के प्लेस से क्या हो आपका सोडियम आयन हो. अगर सोडियम आयन है तो जियोलाइट को हम क्या कहते हैं कि हम लोग एल्यूमिनो सिलिकेट. जियोलाइट को क्या कहते हो आप? जियोलाइट इज कंसिडर्ड एज एल्यूमिनो सिलिकेट. इफ सोडियम इज प्रेजेंट देन दिस पर्टिकुलर जियोलाइट इज कॉल्ड सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट. इसको हम कहते हैं क्या सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट का वहां पे हम कहते हैं यहां पे उसको हम यूज करते हैं क्योंकि यहां पे क्या प्रेजेंट है आपका सोडियम आयन. एंड दिस पर्टिकुलर सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट इट वर्क ऑन हाइड्रोकार्बन. ये हाइड्रोकार्बन के ऊपर करता है कि आपका वर्क करता है. अब हाइड्रोकार्बन भी आपके बेसिकली अगर आप देखो स्ट्रक्चर की बात करो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हाइड्रोकार्बन जनरली इज ऑफ टू टाइप. वन इज कॉल्ड सिंगल चेन, नेक्स्ट वन इज ब्रांच चेन. साइक्लिक भी होता है वो बात अलग की है लेकिन यहाँ पर सिंगल चेन और ओपन चेन की बात करते हैं हम लोग. एक सिंगल चेन और एक आपकी ब्रांच चेन है.
ब्रांच चेन। अब बताओ अगर इस पर्टिकुलर सोडियम एल्युमिनो सिलिकेट को अगर आपके वर्क करना होगा तो किस पे आपका वर्क करना इजी होगा? सिंगल चेन का मतलब क्या है? कोई आपका ऐसा हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होगा, ब्रांच चेन में क्या होगा? द कंपाउंड इज लाइक दैट, हाइड्रोकार्बन कुछ इस तरह से होगा। बाय कंपेयरिंग बिटवीन देम, अगर इन दोनों को अगर आप कंपेयर करो, द साइज ऑफ ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन इज लार्ज, यहां पे इसकी साइज क्या होती है? लार्ज होती है। और सिंगल चेन की क्या होती है? इसकी साइज क्या होती है? स्मॉल होती है, या ये क्या होती है? बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं। अगर ये सिंपल है, इसकी साइज स्मॉल है, इन कंपेरिजन टू ब्रांच चेन वो कैसा ह्यूज मॉलिक्यूल है। रिएक्टेंट कैसा होना चाहिए था आपका? रिएक्टेंट मस्ट हैव स्मॉल, रिएक्टेंट कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए था आपका। यानी ये कैसा है आपका? इन कंपेरिजन टू ब्रांच चेन इट इज अ स्मॉल। तो ये पर्टिकुलर सोडियम एल्युमिनो सिलिकेट वर्क किसके ऊपर करेगा? आपका सिंगल चेन हाइड्रोकार्बन पे करेगा इंस्टेड ऑफ ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन पे उतना वर्क नहीं कर पाता है, अगर करता भी है तो उसका पोटेंशियल क्या होगा? बहुत ज्यादा कम होगा, या उसकी एक्टिविटी क्या होगी? बहुत ज्यादा लो होगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड एंजाइम। एक्चुअली द बायो स्टूडेंट्स आर वेरी फैमिलियर टू दिस वर्ड एंजाइम। व्हाट आर द एंजाइम? द एंजाइम इज जनरली कंसिडर्ड एज बायो कैटालिस्ट। द एंजाइम इज जनरली कंसिडर्ड एज बायो कैटालिस्ट, इट मीन्स द कैटालिस्ट प्रेजेंट इन बायोलॉजिकल सिस्टम, इट मीन्स लिविंग बींग, इट मीन्स लिविंग बींग। यानी एक ऐसे आपके कैटलिस्ट जो लिविंग बींग के अंदर होते हैं, दोज आर कंसिडर्ड एज बायो कैटलिस्ट एंड दिस बायो कैटलिस्ट आर कॉल्ड एंजाइम। ये बायो कैटलिस्ट हम कहते हैं कि हम लोग एंजाइम का यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं। दिस एंजाइम इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, इट इज ऑलवेज मेड अप ऑफ प्रोटीन। ये किससे बने होते हैं आपके? प्रोटीन से बने होते हैं। एंड द फीचर ऑफ एंजाइम इज सिमिलर टू द फीचर ऑफ कैटलिस्ट, इट मीन्स जिस तरह से कैटलिस्ट आपका करता क्या है? कैटलिस्ट यूज टू चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन, इस तरह एंजाइम ही करते हैं क्या? रेट ऑफ रिएक्शन को कहां पे? लिविंग बींग्स के बॉडी के अंदर चेंज करते हैं। इट मीन्स द फीचर इज सेम, द फीचर इज सेम फीचर टू कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के साथ का फीचर क्या होता है आपका? इसमें सेम होता है। एंड हाउ कैन यू एक्सप्लेन इट? सपोज इफ वी टेक अ फूड पार्टिकल, अगर हम फूड को अगर हम टेक करते हैं, दिस फूड कैन बी ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसेस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डाइजेशन एंड दिस होल प्रोसेस अकर्स इन साइड आवर बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है? फूड का डाइजेशन होता है। इट मीन्स द बल्क ऑफ फूड कैन इज कन्वर्टेड इनटू स्मॉल फूड पार्टिकल एंड फॉर दिस प्रोसेस द एंजाइम प्ले अ मेजर रोल। और यहाँ पे एंजाइम क्या करता है कि आपका मेजर रोल प्ले करता है किसमें? डाइजेशन में। एंजाइम ने क्या किया? इस बड़े फूड पार्टिकल को स्मॉल फूड पार्टिकल से कनेक्ट कर दिया। तो एंजाइम ने क्या किया यहाँ पे? इस रिएक्शन को या इस प्रोसेस को कंसिडर्ड करने में या उसको करने में या उसको प्रोसीड करने में क्या कि यहाँ पे हेल्प किया। Therefore, we can say that the feature of enzyme is same to the catalyst. Enzyme ने अपना कोई product नहीं बनाया, जिस तरह से आपकी catalyst अपने किसी product को formation नहीं करते हैं, लेकिन वो करते क्या है? Rate of reaction को यहाँ पे change कर देते हैं। तो enzyme ही करता क्या है? यहाँ पे इनके digestion में help करता है, digestion की process को proceed करता है without taking part in it। वो अपना यहाँ पे किसी product का formation नहीं बनाता। Is that clear? The next point is that the enzymes are very specific. Specific means that one catalyst, one reaction. Catalyst लेकर था ना, the catalysts are specific. और यहाँ पे enzyme क्या है? It is very specific. Enzyme क्या होते हैं? Very specific होते हैं. It means one enzyme is work on only one type of फूड पार्टिकल। यानी एक ही टाइप के फूड पार्टिकल को क्या करता है? क्या एंजाइम वर्क करता है? इफ द एंजाइम वर्क ऑन कार्बोहाइड्रेट, इट कैन नॉट बी वर्क ऑन द फैट। अगर कोई एंजाइम कार्बोहाइड्रेट के ऊपर वर्क करता है तो वो फैट के ऊपर नहीं कर सकता। यानी इट इज वेरी स्पेसिफिक, ये बहुत ज्यादा आपका क्या होता है? आपका स्पेसिफिक होता है। इट मीन्स वन एंजाइम
वन रिएक्शन, एक एंजाइम एक रिएक्शन के लिए क्या होता है आपका, यूज़ वन एंजाइम और वन रिएक्शन। टू डिस्क्राइब द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, एक्टिविटी ऑफ एंजाइम डिस्क्राइब करने के लिए या किस तरह से प्रोसेस होती है, मैनी साइंटिस्ट प्रपोज द मैनी मॉडल्स, बहुत साइंटिस्ट ने कई सारे मॉडल को प्रपोज किया था। इन आवर कोर्स वी हैव टू स्टडी अबाउट द लॉक एंड की मॉडल, हम यहाँ पे करते क्या है लॉक एंड की मॉडल को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इन लॉक एंड की मॉडल द फूड पार्टिकल और द सब्सटेंस इन विच द एंजाइम गोइंग टू द वर्क, यानी जिसके ऊपर एंजाइम वर्क करने के लिए जा रहा है, दोस पर्टिकुलर सब्सटेंस इज कॉल्ड एज सब्सट्रेट, यानी एंजाइम को जिसके ऊपर वर्क करना तो हम कहते हैं कि हम लोग सब्सट्रेट कहते हैं। एंड इन लॉक एंड की मॉडल द सब्सट्रेट इज कंसिडर्ड एज लॉक, सब्सट्रेट किस तरह कंसिडर करते हैं आप लॉक की तरह। एंड द एंजाइम विच आर कमिंग फॉर वर्क ऑन इट, यानी ऐसा एंजाइम जो इसके ऊपर वर्क करने की जा रहा है आर कंसिडर्ड एज की, किस तरह बिहेव करता है आपका की तरह, ये क्या था आपका इट इज अ एंजाइम बिहेव एज। अब अगर आप देखो तो इसके पास क्या है अपनी साइट है, इसके पास भी क्या अपनी साइट है, द साइट प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस फॉर फिटिंग ऑफ द एंजाइम इज कॉल्ड एज एक्टिव साइट, यहाँ भी ये क्या होती है इसकी एक्टिव साइट होती है जिसपे एंजाइम को आकर के फिट होना है। तो इसके साइट और इसके साइट क्या दोनों सिमिलर है, तो ये इसके ऊपर क्या होता है आकर के फिट हो जाता है। एंड बाई एडजॉर्प्शन ऑफ एंजाइम ऑन द सर्फेस ऑफ सब्सटेंस इट फॉर्म्स एन इंटरमीडिएट स्टेट, ये करता क्या आपका है इंटरमीडिएट स्टेट का फॉर्मेशन करता है, ये क्या था आपका इट इज अ सब्सट्रेट एंड दिस इज अ एंजाइम, इट प्रिपेयर एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स, ये क्या बनाता है आपका एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स एंड इट इज अ इंटरमीडिएट, इसका फॉर्मेशन करता है आपका इंटरमीडिएट का विच इज अ एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब जब एंजाइम ने सब्सट्रेट के ऊपर अपना वर्क करना स्टार्ट किया तो सब्सट्रेट के अंदर क्या होगा चेंज होगा, बाय कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, जब ये रिएक्शन आपका कंप्लीट होता है तो ये क्या था आपका एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स, जिसके ऊपर एंजाइम क्या था आपका यहां पे एड्सॉर्ब हो गया था एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स। एट लास्ट ऑफ द रिएक्शन दिस सब्सट्रेट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट and the enzyme become free for and the enzyme become free for next reaction, और यहाँ पे enzyme क्या होता है आपका free हो जाता है किसके लिए आपका next reaction के लिए, आपको क्या मिल जाता है substrate के product का formation। तो वो ना similar to the catalyst, enzyme ने क्या किया अपना किसी product formation किया नहीं किया, it only enhance the speed of reaction, इसने क्या किया स्पीड ऑपरेशन में उसको क्या किया हेल्प किया, प्रोसेस आराम से हो गई इसकी अपने आप हो गई और एंजाइम क्या हो गया बाद में आपका फ्री हो गया, दिस इज द लॉक एंड की हाइपोथेसिस। तो ओवरऑल का प्रोसेस देखा जाए तो पहले क्या था आपका एंजाइम था सब्सट्रेट के साथ मिला क्या बनाया इट मेक एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स, दिस एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट एंड द एंजाइम बिकम फ्री, ये क्या था आपका लॉक एंड की हाइपोथेसिस का ओवरव्यू, दिस इज द ओवरव्यू ऑफ लॉक एंड की हाइपोथेसिस। अब इस प्रोसेस के लिए एंजाइम में भी इस पूरे प्रोसेस के लिए एक क्या होती है आपकी ऑप्टिमम कंडीशन, यानी एक ऐसी कंडीशन जिसके ऊपर एंजाइम की एक्टिविटी क्या होती है आपकी मैक्सिमम होती है, यानी जिस पर आपकी एंजाइम एक्टिविटी क्या होती है आपकी मैक्सिमम होती है। एक्चुअली दिस कंडीशन इज डिपेंड ऑन द एंड द कंडीशन इज मेनली इज द टेम्परेचर, ये कंडीशन क्या होती है आपकी टेम्परेचर होती है, इट मीन्स देयर इज अ सर्टेन ऑप्टिमम टेम्परेचर। एज यू नो आवर बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस, हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस, अगर इससे टेम्परेचर बहुत ज्यादा बिलो हो गया या इससे बहुत ज्यादा क्या हो गया हाई हो गया, इट द टेम्परेचर फ्लक्चुएट वेरी लो टू वेरी हाई, अगर इससे बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करके बिलो हो गया या वेरी हाई हो गया द एंजाइम एक्टिविटी, यहां पे जो आपकी एंजाइम एक्टिविटी होती है ये क्या होती है आपकी डिस्टर्ब हो जाती है,
एंजाइटी बिकम डिस्टर्ब। फीवर कंडीशन याद है ना, फीवर कंडीशन में क्या होता है, द डाइजेशन ऑफ फूड क्या होता है, आपके बॉडी में डाइजेशन ऑफ फूड वीक पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है उससे टेम्परेचर क्या हो गया बॉडी का बहुत ज्यादा हो गया, एंजाइम एक्टिविटी क्या होती है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, एंजाइम एक्टिविटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है जिससे ये प्रोसेस नहीं हो पाती है। तो एक तो हो गया आपका ऑप्टिमम टेम्परेचर, नेक्स्ट द एंजाइम्स आर, अब ये फीचर्स है सारे एंजाइम के, द एंजाइम्स आर हाईली एफिशिएंट। एंजाइम क्या होते हैं, बहुत ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। कैसे, सपोज करो इफ एक्स मेक प्रोडक्ट एंड फॉर दिस प्रोसेस वी यूज कैटलिस्ट टू इंक्रीज दिस पर्टिकुलर स्पीड ऑफ रिएक्शन। अगर हम यहाँ पे कैटलिस्ट का यूज करते हैं और यहाँ पे हम एक बार कैटलिस्ट को आपने यूज किया, एक बार क्या किया आपने एंजाइम को यूज किया, द अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट इज यूज सपोज इज 2 ग्राम फॉर दिस प्रोसेस। अगर एक्स से प्रोडक्ट सी का फॉर्मेशन हो रहा है और इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए आपने क्या किया 2 ग्राम कैटलिस्ट का यहाँ पे यूज किया, फॉर द सेम रिएक्शन इसी रिएक्शन के लिए अगर हम एंजाइम का यूज करेंगे, द अमाउंट ऑफ एंजाइम यूज इज 2.002 ग्राम। यानी इसका फ्रैक्शन अमाउंट ही एक्स को पी में कन्वर्ट करने के लिए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है सफिशियंट होता है इन कंपेरिजन कैटलिस्ट। जहां पे कैटलिस्ट आपका 2 ग्राम लगता है वहीं पे एंजाइम क्या होता है इट यूज ओनली इन अ फ्रैक्शन अमाउंट दैट इज 0.002 ग्राम। बहुत फ्रैक्शन अमाउंट में किसका यूज होता है, इसलिए कहते हैं क्या है द एंजाइम्स आर हाईली एफिशिएंट। इसकी एफिशिएंसी क्या होती है बहुत ज्यादा हाई होती है, बहुत कम अमाउंट में इसको आप यूज करके प्रोडक्ट को आप ऑब्टेन कर सकते हैं, उसकी स्पीड को रिएक्शन की स्पीड को आप बढ़ा सकते हो। इज दैट क्लियर? आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस। सो काइंडली रिवाइज दिस चैप्टर और दिस टॉपिक वन टू टू और थ्री टाइम्स। ओके, meet you in next class. Thank you.